हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? होप आप लोग सब अच्छे हो। और आज है रथ और आप सभी को रथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ मैं पूजा में शामिल होने के लिए। तो रथ का पूजा मेरी फ्रेंड के यहाँ पे रखा गया है और उसी लिए मैं जा रही हूँ उनके यहाँ पे पूजा देखने के लिए। तो मैं रेडी हो गई हूँ और आप लोग को भी ले जाऊँगी और आप लोग को भी दिखाऊँगी यहाँ पे कैसे पूजा होता है, कैसे किया जाता है यहाँ पे रथ पूजा। और शाम में रथ यात्रा निकाली जाएगी, रथ निकाला जाएगा शाम में। तो मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी शाम में कहाँ कहाँ हम लोग जा रहे हैं रथ लेके, तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आप लोग व्लॉग में एंड तक बने। तो मैं निकल गई हूँ और मैं जा रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है आपका 10:45 का और 11 बजे से बोला गया है पूजा स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ। गौरी और इनके यहाँ पे हो रहा है रथ पूजा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। Thank you.
तो घर में पूजा हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग नीचे हैं और रथ का पूजा किया जा रहा है। तो पंडित जी यहाँ रथ का पूजा कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, तो अभी हो रहा है रात का टाइम और देखिए रथ हमारा रेडी है और भगवान जी को इसमें बिठा दिया गया है। तो अभी हम लोग रथ को निकालेंगे और निकाल के बोला जाता है कि रथ को मासी बाड़ी के यहाँ छोड़ा जाता है 8 दिन के लिए। तो अभी वही हम लोग देखिए निकाल रहे हैं। सारे बच्चे रेडी हो गए हैं और सारे बच्चे लेके जा रहे हैं रथ को इस तरह से खींचते हुए। तो ज़्यादा दूर है नहीं, नज़दीक ही है। इस तरह से खींचते हुए हम लोग सब जाएंगे और रास्ते में यहाँ पे बहुत रौनक लगी हुई है रथ का। तो मैं आप लोग को दिखाते हुए जाऊँगी कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। हे गाइस, तो आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करूंगी आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई ब्लॉग के।